ये कैश पेमेंट था, क्यों नहीं कलेक्ट किया सर अपने कस्टमर से कैश? सर क्या रैपिडो फ्रॉड कंपनी है? क्या रैपिडो में कस्टमर सारे फ्रॉड मिलते हैं? दोस्तों, जिस भाई के साथ इंटेंशन हुआ वो सारी बातें आप लोग को सुनने को मिलेगा इस वीडियो को आगे, तो आप लोग बने रहना पूरी कस्टमर केयर से जो हमने बात की है पूरी डिटेल में, उसके लिए आप तैयार रहिए सुनने के लिए। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस है, क्या हर ड्राइवर के साथ ऐसा हो सकता है? क्या कस्टमर केयर को ये नहीं पता कि पुलिस का नंबर कंट्रोल रूम जो होता है वो नंबर बदल दिया गया है? क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन इन लोग के पास नहीं है? नहीं है तो पहले इन कंपनियों की पॉलिसी में सुधार करना चाहिए, बोलने वाले बंदे को तरीके में होना चाहिए, ताकि उनको सारी बातें का इन्फॉर्मेशन हो, ड्राइवर को साथ शेयर किया जाए, जो ये लोग कहते हैं टर्म एंड कंडीशन कहाँ है, और उनको बजाबते एग्रीमेंट के साथ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों भेजना चाहिए। हे दोस्तों, नमस्कार, आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आन दिन ओला उबर रैपिडो के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे रिलेटेड मैं आपको आज एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, जो कस्टमर केयर वाले हमारे प्रति क्या भाव रखते हैं और इस ड्राइवर भाई के साथ क्या बीता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अभी भाई दो दिन पहले की बात है, मैं एक्चुअली दिल्ली में था नहीं, तो इस वजह से भाई का बात मैं नहीं रख पाया वीडियो के माध्यम से, तो आज मौका मिला है इनकी बात रखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि इस भाई ने रात में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, रात में राइड करते हैं, और जनरली सभी ड्राइवर भाई करते हैं, तो वो क्या होता है कि ये राइड कंप्लीट कर देते हैं रैपिडो कंपनी का, और एक इंसिडेंट नहीं दो दो इंसिडेंट होता है सेम डे सेम टाइम के आसपास में। तो आप समझिएगा पॉइंट को, और बड़ी गहराई से समझने वाली पॉइंट है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, और ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इस बात को खास करके पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं अपनी बात को। तो दोस्तों बताओ भाई, आपके साथ क्या हुआ और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन भसीन है। हाँ, मैं अपना रात के समय ही ट्रैवल ज्यादा करता हूँ, ड्राइव रात को ही करना पसंद करता हूँ। तो परसों की शायद मेरे ख्याल, हाँ परसों की बात है, हाँ। मैं अपना मुकुंदपुर के पास ये जो अपना पेट्रोल पंप है, सीएनजी वगैरह लेकर के अपना रेडी फॉर ड्राइव था मैं, ठीक है। तो रैपिडो में मेरे पास राइड आई थी, ठीक है। तो 374 रुपए के आसपास वो राइड थी, ठीक है। मैंने पिक करी, ठीक है। कस्टमर को कॉल किया, ठीक है। मतलब बिल्कुल हाईवे से ही पिकअप था उनका, जो मुकुंदपुर का बाईपास रोड नहीं है, बाईपास वाला, हाँ। वहीं से ही पिकअप था। तो मैंने कॉल किया, थोड़ा वहां से उस पे गया भाई लोकेशन पे, ठीक है। तो फ्लाईओवर के नीचे से उनको पिकअप करना था, जहाँ पे वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ठीक है। उनकी राइड भी पुलिस वालों ने ही, अपना मुकुंदपुर पे जो खड़े रहते बीट वाले, ठीक है, उन्हीं ने कस्टमर के मोबाइल से उन्होंने बुक करवाई थी, ठीक है, ठीक है। फिर मैं उसको लेकर के जाना था, कौन सी जगह, वो बीकाजी, हाँ बीकाजी कामा पैलेस, बीकाजी कामा पैलेस उन कस्टमर को लेके जाना था, ठीक है। तो मैंने कहा यार पुलिस वालों ने बुकिंग करवाई है, और सजेट उन्होंने कॉल भी, पुलिस वालों वही जो खड़े रहते हैं बीट पे उन्हीं ने उठाई थी जब मैंने कॉल किया था, अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि फ्लाई ओवर के टेढ़ी आवाज तो होती है उनकी, थोड़ा फ्लाई ओवर के नीचे फलानी जिप्सी खड़ी है, इधर आ जा, अच्छा। तो मैंने रॉन्ग साइड से लेकर के उधर बिठाया था, तो थोड़ा ट्रस्ट तो बन गया था, ट्रस्ट हो गया था वो भाई पुलिस वाले, तो कुछ गलत वैसे होगा नहीं। और ये करीबन कितने बज रहा था? ये देख के बताता हूँ एग्जैक्ट टाइम, ढाई के आसपास की बात होगी, दो सवा दो ढाई की, राइड में देखना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम। आपने लोकेशन भेजा था ना, वो टाइम देख लो व्हाट्सएप पे, रैपिडो ऐप में भी तो होगा ना? हाँ, ऐप में भी होगा। एक मिनट, मैंने एरोप्लेन लगा दिया। तो दोस्तों, ये भाई जो है मुझे फोन कर रहा था उस रात को, उस टाइम मैं ट्रैवल जर्नी कर रहा था अपना खाटू श्याम जी के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि इनका फोन आया, और इन्होंने जो टाइमिंग था इंसिडेंट, 1:36 की, 1:36 पे बीकाजी में कमा पैलेस पिकअप, हाँ, और ड्रॉप एरा, हाँ। तो 1:36 की ये राइड, 1:36 रात को ये आया था मेरे पास पिकअप, ठीक है। इन कस्टमर को मैं पिक करके निकला, हाँ। जैसे ही अपना ये चढ़ते है ना वजीरपुर फ्लाईओवर, हाँ, उसके बाद से यही साइड की सीट पे तो बैठे थे, एक ही लड़का था जेंट्स, अच्छा। तो उन्होंने अपने सभी दोस्तों को तमाम तरह से फोन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि भैया मेरे को पेटीएम कर दो 500 रुपए, मेरे को पैसे देने राइड वाले को। पहली कॉल जब उनने करी, मेरे थोड़े से भाव जागे कि यार इसको तो पैसे नहीं मिल रहे। कह रहे थे अशोका होटल में वेटर का काम करता है, ठीक है। उसने तमाम अपनी कोशिशें कर ली, लेकिन उसको किसी ने भी
पैसे नहीं दिए। ठीक है, करते करते रात का तो समय खाली रोड था, ज्यादा ज्यादा 35-40 मिनट में मैं पहुंच भी गया था। ठीक है, कुल अब वहां पहुंचने के बाद इसने कहा कि मैं घर से पैसे लाके देता हूँ। ओके, मैंने कहा यार अगर घर इसको भेज दिया ये आएगा ही नहीं वापस। मैंने कहा भैया आपका घर कितनी दूर है? उसने कहा भैया मेरा घर करीब है 700-800 मीटर अंदर है। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके घर आपके साथ ही चलता हूँ, गाड़ी यहीं रोड पे ही तो उतरवाई थी उन्होंने, तो मैं कहता हूँ यहीं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, गाड़ी वगैरह वहीं लॉक करी, डर तो था ही क्योंकि एरिया थोड़ा सा ऐसा ही है, लग रहा था मेरे को कि है ऐसा। चला गया भाई उसके घर तक। ठीक है, बंदा ऊपर गया अपने फ्लोर पे, मैं नीचे आराम से खड़ा रहा, कह रहा 10-5 मिनट में देता हूँ पैसे। 20-1 मिनट के बाद वो अपने भाई साहब को लेकर आया, बड़े भाई साहब थे उसके शायद। उनने बोल दिया पैसे तो है नहीं। अच्छा, मैंने कहा पैसे नहीं है तो सर राइड क्यों बुक करी, मेरे तो सेटल करवा दो कैसे ना कैसे, बाकी मैं मतलब तो जाने के बाद उसका भाई भी निकल के आता है तो पैसे नहीं, पैसे नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे का इंटेंशन था कि पैसे नहीं देना है, क्योंकि यार घर पे 500 रुपए ना हो ऐसा हो सकता है? 374, मतलब घर में 500 रुपए भी ना हो तो ऐसा हो, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। चलिए आगे फ्री तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैं ये पुलिस बुलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ। भाई गुस्सा तो आता है ना यार। हाँ। तो मैंने कहा भाई मैं पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, तो बंदा कहता है भैया आप ना मेरा मोबाइल ले जाओ। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना यहाँ से, कहता है भाई मेरा मोबाइल ले जाओ। अच्छा, तो मैं जज करने के लिए सिर्फ उसको कहता हूँ कि ठीक है तुम कल मेरे को अपना मोबाइल दे दो और कल 500 रुपए दे देना, क्योंकि मैं वापसी भी आऊंगा ना भाई यहीं तक तुम्हें मोबाइल देने, तो मुझे कल तुम 500 पूरे देना, मैं तुम्हारा मोबाइल हैंडओवर कर दूंगा। ठीक है, कहता मैं आपको आप कल मुकर जाओ, मैं कहा गाड़ी की आरसी ले लो, चलो मेरे साथ बाहर। तो बाहर तक आता है, उसी समय मैं मन में धारणा लगा लेता हूँ कि कल मैं दिल्ली में तो हूं नहीं। अच्छा, दिल्ली में तो हूं नहीं, इसका मोबाइल लेके क्या करूंगा। लेकिन हाँ अगर इसने मुझे मोबाइल हैंडओवर कर दिया और मैंने सेल्फ मारा गेट बंद कर लिया और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर भी आफ्टर ऑल इन सबके बावजूद भी बंदा जेन्युइन है। ठीक है, मतलब आपने भरोसा जताया उस पर, मन में था बोला नहीं। ठीक है भाई, वो बंदा और उसके भाई साहब मेरे साथ गाड़ी तक आते हैं। अच्छा, मैं गाड़ी की आरसी की फोटोकॉपी उनके हैंडओवर करता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, साथ ही मैं उसको कहता हूँ भैया अपना व्हाट्सएप नंबर देना आपके इस फोन में जो है। कहता ये फोन तो आप ले जाओगे, मैंने कहा फिर भी नंबर तो दे दो। वो नंबर दे देते हैं, तीन नंबर मैंने और भी दो, उनके गांव का एक नंबर है वो भी नंबर ले लेता हूँ व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ना देखो आपको ना स्कैनर डाल दिया है। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे आप मुझे 500 रुपए कल पेटीएम कर देना, या कोई दिक्कत नहीं आप 374 ही कर देना, आपकी मर्जी है, ये पकड़ो आप अपना फोन, मुझे नहीं चाहिए। आपने ईमानदारी से यहां तक आया, अपना फोन मेरा हैंडओवर कर दिया, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब चाहूं तो मैं लेके जा ही सकता हूँ ना, लेकिन मैं लेके इसलिए नहीं गया क्योंकि अगले दिन नैनीताल जाना था। अब बंदा मुझे फोन करता और मैं उसे कहता कि भैया मैं नैनीताल हूं, तो वो मुझे चोर समझता। सही बात है, इस चक्कर से मैं उसका फोन लेके आया नहीं। सही बात है, लेकिन उस बंदे पे मैंने भरोसा किया कि हाँ चल कोई नहीं दे देगा पैसे। अब उसके बाद से उसको कॉल कर रहा हूँ ना वो फोन उठा रहा है, एक दो बार उठाया है उसने, सोमवार के दिन पे फोन उठाया है। ठीक है, उसने कहा सुबह दे दूंगा। ठीक है, मैंने सुबह पूरी वेट की। ठीक है, शाम को उसको फोन किया सोमवार शाम को। ठीक है, उसने कहा कल दे दूंगा। ठीक, वो तो फिर आज से तो फोन भी नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। तो आपने कुछ कार्रवाई की कस्टमर केयर बात? कस्टमर केयर पे बात की, उन्होंने कहा कि कैश कलेक्शन करना सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है वो बात समझ में आती है, लेकिन भाई एक कॉमन सेंस की बात है ना, ड्राइवर की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन वो तभी तक है ना जब तक कस्टमर देने के लिए राजी हो। ठीक है, अब किसी का इंटेंशन ही, कस्टमर केयर का रिकॉर्डिंग है आपके पास? हैगा, सुना सकते हो? सुना देता हूँ, लेकिन मैंने उसमें फिर झाड़ दिया था थोड़ा कस्टमर केयर वाले को। नहीं, गलती उसकी है तो हम झाड़ना। हाँ, तो मैं सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग, मैंने आपको सेंड भी की है। पब्लिक पब्लिक को भी सुनाना जरूरी है ना, क्योंकि कल को हमारे ऊपर भी या आपके ऊपर भी ब्लेम ठोका जा सकता है। कोई नहीं कि भाई आप तो झूठी स्टोरी बना रहे हो, मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने आपको सेंड भी की हुई है। कैश पेमेंट था, क्यों नहीं कलेक्ट किया सर अपने कस्टमर से कैश? सर कस्टमर के पास, वो कस्टमर
खोलना, मेरे पास पैसे है ही नहीं, जो करना कर लो। सर वो आपका जिम्मेदारी होता है, कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद उनसे अमाउंट लेने का जिम्मेदारी आप ही का है। सर वो ठीक है, लेकिन तब तक है ना जब तक कस्टमर पैसे दे रहा हो, ये तो कस्टमर पैसे दे ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? क्या कस्टमर कह रहा है मेरे पास है ही नहीं? वो आप ही का जिम्मेदारी होता है सर, आप ही को कलेक्ट करना होता है। रैपिडो में इसमें बताया गया पेमेंट अगर कैश है तो वो आप ही का जिम्मेदारी है कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद लेने का। कैसे बाहर के पीठ के खून निकाल के झगड़ के कैसे, आप मुझे रास्ता बताओ। वो आप पुलिस भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है सर, वहाँ आप कैसे बात करके कैसे हैंडल करते करके। सर सीधा बोलना है कि आपको जो करना कर लो, मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ। वो आप ही का जिम्मेदारी होता है सर, आप कैसे हैंडल करते करके, आपके ऊपर है वो। इसमें रैपिडो में क्लियरली बताया गया है कैश पेमेंट है, वो आप ही का जिम्मेदारी है करके। तो अब इसमें क्या क्या अब इसका क्या मुझे क्या भी नहीं दिया। आप चाहो तो मेरी ओर से कस्टमर का आईडी ब्लॉक करा था, लेकिन पेमेंट के रिलेटेड वो आप ही तक है सर। तो मतलब मेरा नुकसान है क्या, मतलब मेरा नुकसान हो गया, ये कंपनी साथ खड़ी नहीं है। सर कंपनी से क्लियरली बताया गया है टर्म्स और कंडीशंस पे। वो टर्म कंडीशन तभी तक है ना जब तक कस्टमर पेमेंट करने के लिए राजी हो। नहीं, वो टर्म्स और कंडीशन पेमेंट के रिलेटेड, अगर कस्टमर का पेमेंट वहाँ पे कैश मोड है तो वो पूरा आपका जिम्मेदारी है। अगर ये रैपिडो के वैलेट पे होके कोई दिक्कत होता तो ये रैपिडो का जिम्मेदारी होता। रैपिडो में क्लियरली बताया गया है अगर पेमेंट कैश मोड है वो आपका जिम्मेदारी है, इसमें रैपिडो का कोई जिम्मेदारी नहीं है करके। तो सर उसके मेरा नहीं, वो ये रैपिडो पे यहाँ पे पॉलिसी नहीं है उस तरह की, इसीलिए तो टर्म्स और कंडीशन में दिया है कैश पेमेंट है तो वो आप ही का जिम्मेदारी है करके। क्या वो सर कस्टमर को ड्रॉप होने के बाद कस्टमर को कॉल नहीं लगता है सर, इसीलिए तो आपको वहाँ पे इसीलिए तो बोल रहे हैं वो पेमेंट आपका जिम्मेदारी है करके। अगर लगता तो वो सभी होता तो आपको बता देते। इस पॉइंट के आगे भी एक कुछ बताता हूँ, इसके आगे मतलब कंपनी चूती है, इतनी बड़ी बात है कि कंपनी के पास कस्टमर का नंबर ही नहीं है जो उसको कॉल नहीं कर सकती, वेरीफाई नहीं कर सकती। ड्रॉप होने के बाद कस्टमर को कॉल नहीं लगता है यहाँ पे, बंद कर दो कंपनी बंद कर दो। आप लोग उबर को टक्कर देने की सोच तो रहे, उबर को ऐसा कुछ करता है तो पैसे मिल जाते हैं ना, बंद कर दो सर कंपनी शटडाउन कर दो। उबर का पता नहीं सर मुझे, उबर कौन सा कंपनी है या क्या है करके, मैं रैपिडो से काम कर रहा हूँ तो रैपिडो के रिलेटेड मुझे ये पॉलिसी है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप लोग कोई बैकग्राउंड चेक वगैरह कुछ नहीं लेते, कोई भी आधार वगैरह कुछ नहीं करते? अगर कोई आपका ड्राइवर को मार के भी चला जाए, कुछ करके चला जाए तो आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर? आपको वहाँ पे कॉल पुलिस का ऑप्शन है, अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो आप काइंडली वहाँ पे कॉल पुलिस का ऑप्शन क्लिक करके पुलिस को कॉल कर सकते हैं, तुरंत पुलिस वहाँ पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है ना कि कस्टमर कंपनी का है और कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, कस्टमर मेरा पैदा किया हुआ थोड़ी है। क्या वो आपका जिम्मेदारी होता है, आपको कस्टमर हमारा कस्टमर दिलाने तक हमारा काम है, दिलाने के बाद वो आपकी जिम्मेदारी है। तो सर कोई गंदा जुगाड़ करवा दो ताकि रिवॉल्वर रख के चला करे, ना दे तो वही गोली मार दे साले को। क्या सर मैं कह रहा हूँ कोई गन लाइसेंस का जुगाड़ करवा दो, अगर कस्टमर पैसे ना दे तो वही वो हमारा काम नहीं है सर, वो आपका काम है, कस्टमर दिलाने तक हमारा काम है। वो ड्रॉप कॉल पे बोल दो कि हाँ तू गोली मार दे बाकी कंपनी भुगत लेगी, तो मैं अभी मार देता हूँ 327 रुपए के लिए। नहीं हो रहा है। हेलो, अच्छा बंदा साइलेंट हो गया था। बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कंपनी एक बार अपने मुंह से बोल दो कि तुम कस्टमर को मार पीट करो, गोली मार दो 327 रुपए के लिए बाकी कंपनी। कंपनी का पॉलिसी नहीं है, कंपनी इस तरह नहीं बता रही आपको, कस्टमर दिलाने तक कंपनी का काम है। सर आपकी जिम्मेदारी है मैं मानता हूँ, लेकिन तभी तक है ना जब तक कस्टमर पैसे दे, जब कस्टमर पैसे दे ही नहीं रहा तो क्या। इधर सुन लीजिए, कस्टमर जब तक आपको दिलाना है, कस्टमर आने तक आपका जिम्मेदारी है, हमारे ओर से सिर्फ कस्टमर दिलाते हैं, उसको ड्रॉप सेफ्टी करना और उससे अमाउंट कलेक्ट करना वो आपके ऊपर है, वो आपका जिम्मेदारी है। इसमें रैपिडो में क्लियरली बताया है अमाउंट के रिलेटेड, रैपिडो का कोई यहाँ पे ये नहीं है करके। तो रैपिडो मतलब फ्रॉड कस्टमर, आतंकवादी कस्टमर और गैर सामाजिक कस्टमर भी प्रोवाइड करवाता है, या तो क्लियरली मेंशन किया जाए कि हाँ रैपिडो में इस तरह के कस्टमर होते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान सर
आपका जिम्मेदारी होता है, आपको वहाँ पे डाकू कस्टमर या कोई भी इस तरह के कस्टमर नहीं आते, अभी वहाँ पे पता नहीं रहता है कौन किस तरह का कस्टमर है करके। आपको जो है वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो ये तो वहाँ पे पुलिस पे कॉल कीजिए और पुलिस से बात कीजिए। कस्टमर ढूंढना रैपिडो, गाड़ियाँ ढूंढना रैपिडो, अब उसमें पुलिस प्रशासन को क्यों करा बिहार में फोन करना? आप कोई ऐसी नीति बनाओ ना कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करे तो कोई ना कोई उसका सोल्यूशन हो सके। नहीं, रैपिडो में जब लॉग इन कर दे तभी क्लियरली टर्म्स और कंडीशन से दिया है सर, कैश पेमेंट रिलेटेड वो पूरा रैपिडो का जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरा कैप्टन का जिम्मेदारी है। तो कैप्टन को ड्रॉप करके कैप्टन को ही कलेक्ट करना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कैप्टन को फिर एक रिवॉल्वर लाइसेंस दिलवा दो, या फिर 24/7 चलने वाली सर्विस को 12 घंटे कर दो, या फिर एक रिवॉल्वर लाइसेंस का जुगाड़ करवा दो। क्या सर? लाइसेंस ही बंदूक का कैप्टन को जुगाड़ करवा दो ताकि ऐसी कोई दिक्कत आए तो वही कंपनी पे लगा के पैसे को वसूल सके। सर इसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, कस्टमर दिलाने तक आपका सर, कस्टमर दिलाने तक आपका हमारा काम है, कस्टमर को ड्रॉप करके आपको पैसा लेना है, वो आपका जिम्मेदारी है। आपका चोर दिलवाने का काम है क्या? चोर डाकू कस्टमर दिलवाने का काम है सर आपका? चोर डाकू है वो, आपके साथ चोरी की उन्होंने, अभी जाइए पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन कीजिए सर, जाइए नंबर दो सर, पुलिस का 100 है 100। तो वो तो सर पूरी ऑल इंडिया में पता है कंपनी, वही सर अभी बोल रहे हैं ना आपको, डाकू कस्टमर है करके, डाकू और आपके साथ चोरी की है उन्होंने, तो आप जाके पुलिस पे कंप्लेन कीजिए, पुलिस को जो भी हमारी ओर से कस्टमर की डिटेल्स चाहिए कस्टमर की हम प्रोवाइड कर देंगे पुलिस को। अच्छा अच्छा, पुलिस को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कस्टमर का नंबर आ जाएगा? सर वो पुलिस को देने के लिए वहाँ पे है, पुलिस है वो, आपके साथ चोरी की है ना उन्होंने, आपके साथ डाका डाला है ना, वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाइए, कस्टमर का चाहे तो मैं नाम बता सकता हूँ, कस्टमर का नाम है अंकित, जाके कस्टमर के ऊपर कंप्लेन कीजिए, कहाँ पे ड्रॉप किया है उनको लोकेशन बताइए, अगर पुलिस यहाँ पे कॉल करके कुछ भी डिटेल्स मांगती है तो हमारी ओर से जो भी डिटेल्स चाहिए पुलिस को दे देंगे। चलो ठीक है, मैं अपनी कही हूँ सारी बातों की आपसे क्षमा मांगता हूँ, कल सवेरे मैं सामने जाऊंगा और सवेरे इसकी कंप्लेन करूंगा, तब भी आप ओके रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा देना। ओके सर, रैपिडो में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ जाए। तो इसके बाद भाई मदन भाई इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, परेशान तो मैं था कि 374 रुपए मेरे चले गए। अच्छा ठीक, लेकिन इनसे कॉल सेंटर पे बात करने के बाद थोड़ा सा बाद में मेरे को भी रियलाइज हुआ कि कोई नहीं है भाई, ठीक है कंपनी कहती है कंपनी कमीशन नहीं ले रही तो वो कहां से निकाल करके नहीं, सब्सक्रिप्शन तो ले रहा है ना। हाँ सब्सक्रिप्शन ले रहा है, देखो उसका उबर के लिए भी बातचीत में थोड़ा मेरे कैलकुलेशन माइंड में चली कि उबर तो कमीशन ले रहा है। जो जवाब दे रहे मैं बिल्कुल करेक्ट दिया, इन कंपनियों ने ऐसा हरकत बना रखा है ड्राइवरों के प्रति कि मर जाए ड्राइवर कुछ भी हो जाए उसका कोई इंटेंशन नहीं है, बस उनको अपनी कमीशन से उनकी सब्सक्रिप्शन से मतलब है, चाहे ओला हो उबर हो रैपिड हो कुछ भी हो। तो ये चीज हो, ये ताजा ताजा मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ जी, मैंने कहा 10-15-20 किलोमीटर का एरिया डिफरेंट कर लेता हूँ। हाँ भाई, तो आप ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मैंने कहा कि अभी ताजा ताजा ऐसा नुकसान हुआ है तो अब क्या करता हूँ कि कम से कम 10-15 किलोमीटर वहां से उबर नहीं मिली आपको? उबर में मेरा कैश ट्रिप बंद चल रहा था। अच्छा, कैश ट्रिप बंद था और मुझे चाहिए थे कैश पैसे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, पैसे नहीं थे गैस के भी, 2.3 पॉइंट के आसपास गैस बची हुई थी। आपने ही सोचा कि उबर का मैं पेमेंट ना करके मैं रैपिडो चला, पहले कैश इकट्ठा कर लेता हूँ वो पेमेंट उधर जमा कर दूंगा तो कहानी बराबर हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये कहानी थी। 15 किलोमीटर दूर गए? नहीं 15 नहीं पहुंच पाया था मैं, मेरे से मिस्टेक यही हो गई कि मुझे पूरे 15 चले जाना चाहिए था शायद, तो बीच में मैंने ऑन किया था। ठीक है, तो वहीं कहीं से मेरे को मिल गई पुराने किले की। ठीक है, मैंने बंदा बिठा लिया, हाँ जी, लेके गया उसको, उसके ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच के जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी है बंदा फुल स्पीड से भाग जाता है, और जितने में मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे जाऊंगा उतने में तो मैं देखता हूँ बंदा गायब, मैं कम से कम तो मैं तो दौड़ के जा भी नहीं पाता भाई। अच्छा, उसके पीछे इतनी फुर्तीला बंदा भाई। अच्छा, मतलब उतर के फटाफट भाग गया, ऐसा क्यों आपके साथ होता है पता नहीं, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये दो मतलब मेन सबसे पहले के ना मैंने दूसरे वाले पहले वाले का एक्सपीरियंस ले लिया था ना रैपिडो कॉल सेंटर से,
तो दूसरे वाले की मैंने कंप्लेन भी दर्ज नहीं करी। अच्छा, क्यों? वो छोटी सी पैसे की राइड थी। कितने की थी? 101 रुपए की। उसमें गाड़ी बहुत कम चली थी, 9-10 किलोमीटर, लेकिन इस वाले में तो गाड़ी बहुत ज्यादा चली थी, 34-34 किलोमीटर गाड़ी चली थी। अच्छा, 34-34 किलोमीटर के आसपास इसमें गाड़ी चली थी। अच्छा, तो आपके साथ ये इंसिडेंट रहा, तो आपके आपके लिए मतलब आप रैपिडो को प्रति फीडबैक नेगेटिव है आपका? भाई रात के समय देखो, मैंने रैपिडो को भी यही कहा कि अगर ऐसा कुछ है, आप लोग उबर को टक्कर देने की सोचते हो, ठीक है, और लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे। उबर फिर भी मेरे साथ बहुत समय, जब मैं शुरू में काम कर रहा था ना, बहुत समय पहले उबर में मेरे साथ एक बार ऑलरेडी ये हो चुका है, लेकिन मुझे उबर ने पैसे दिए थे भाई। नहीं, जर्नलिस्ट हम लोग को भी देते हैं, चलिए। हाँ, तो आपका यही स्टोरी था दोस्तों। ये सारी वीडियो सुनने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद, भाई की स्टोरी समझने के बाद आपका क्या राय है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका ही समर्थन से हर किसी कंपनी का सुधार हो सकता है। और इन्होंने पैसे मांगा तो इन कस्टमर केयर ने साफ मना कर दिया, कस्टमर केयर ने साफ मना करने, और सब्सक्रिप्शन लेंगे, कमीशन लेंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे ड्राइवर के प्रति। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, कंपनी के सीनियर लेवल तक पहुंचाइए, ताकि किसी भी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा ना हो और उसको अपनी मेहनत की आय पूरी मिल सके, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी बंदा हो। क्योंकि बंदा समझ सकते हो, आज की डेट में जो मार्केट में कंपनी इतनी सारी कमीशन लेते हैं, इतने सारे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर को मजबूरी है मेहनत करना रोड पे, और जो हालात दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उससे बहुत दुखद एक खबर है, और ऐसा रोज ही किसी के साथ ना किसी के साथ होता होगा। चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है पूरी वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।